हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है रेसिपी घर में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला मूंगफली। मसाला मूंगफली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मूंगफली के दाने, 1/2 कप बेसन, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब एक बोल लेंगे, उसमें बेसन डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि उसमें लम्स ना पड़े। पहले हमें थोड़ा सा ही पानी डालकर इसको फेंटना है। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए, बेसन का पेस्ट तैयार है। अब इसमें चावल का आटा डालें और थोड़ा सा पानी डालकर फिर से फेंट लें। अब इसमें डालेंगे चाट मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा पानी मिलाने की ज़रूरत है तो इसमें थोड़ा पानी और मिला लें और अच्छे से फेंट लें। ये देखिए, बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। हमें ऐसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसमें मूंगफली का दाना मिलाकर मिक्स कर लेंगे। और 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दें। जब तक तेल गर्म होगा तब तक मूंगफली के दाने थोड़ा फूल जाएंगे। तेल गर्म हो गया है, अब कढ़ाई में एक एक मूंगफली का दाना डालेंगे और लो फ्लेम पर तल लेंगे। एक बार में जितनी मूंगफली के दाने आ पाए उतने ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए, मूंगफली तल गई है। अब इसे पेपर नैपकिन पर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी मूंगफली को तल लेंगे। ये देखिए, मसाला मूंगफली तैयार है। अब ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और टॉस करके मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है मसाला मूंगफली। थैंक यू, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरी रेसिपी आप ट्राई करते हो और आपको पसंद आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करें और रेसिपी घर की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।